एक साल के अंदर में भारत में बंद हुई 12 कारें, पिछले 7 महीने में बिक्री 0/0। इन कारों की सेल लगातार गिरने के कारण इनके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है और इस साल इन 12 कारों की आंकड़ा 0 रहा है। पहला, महिंद्रा XYLO। इस साल इस कार की कोई बिक्री नहीं हुई, हालांकि पिछले साल इसके कुल 56 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। दूसरा, टाटा बोल्ट। साल 2020 में कुल 57 कारों की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल यह आंकड़ा 0 रहा। तीसरा, होंडा BRV। इस साल इसकी कोई बिक्री नहीं हुई, लेकिन पिछले साल इसके कुल 60 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। तीसरा, निसान माइक्रा। साल 2020 में कुल 143 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल खाता ही नहीं खुला। पांचवा, वॉक्सवैगन आमियो। पिछले साल इस कार के कुल 173 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल अभी एक कार भी नहीं बिकी। छठवा, निसान सनी। 2020 में इसके कुल 178 यूनिट्स की बिक्री हुई, लेकिन इस साल यह आंकड़ा 0 है। सातवां, टाटा हेक्सा। साल 2020 में इसके कुल 198 यूनिट्स की बिक्री हुई, लेकिन इस साल एक भी यूनिट नहीं बिका। आठवां, महिंद्रा वेरिटो। महिंद्रा की इस कार की 2020 में कुल 250 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल खाता ही नहीं खुला। नौवां, टाटा जेस्ट। साल 2020 में कुल 251 यूनिट्स की बिक्री हुई, लेकिन इस साल यह आंकड़ा 0 रहा। दसवां, स्कोडर कोरिया। साल 2020 में इसके कुल 424 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल एक भी कार नहीं बिकी। ग्यारहवां, महिंद्रा TUV 300। इस साल इस कार की बिक्री भी 0 रही, हालांकि 2020 में इसके कुल 1701 यूनिट्स बिकी थी। बारहवां, मारुति सुजुकी जिप्सी। पिछले साल यानी 2020 में इसके कुल 3051 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन इस साल अब तक एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है।